ओके देखिए, अभी हमने 1.1 प्रैक्टिस सेट का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखा, अब क्वेश्चन नंबर हम सिक्स ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन तकरीबन सेम मिलेंगे। दैट्स व्हाई उस क्वेश्चन को सॉल्व ना करते हुए मैं आपको डिफिकल्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, हम क्वेश्चन नंबर सिक्स देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको कुछ फ्रैक्शन नंबर्स मिल रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको 3 मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ऐसे क्वेश्चंस में आते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते, दैट्स व्हाई हम ये क्वेश्चंस को ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि 3 यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया है, मतलब डिनोमिनेटर में दिया है, तो हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 1/3x + y = 10/3 मिल रहा है। अब इसमें डिनोमिनेटर में 3 आने की वजह से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई by 3 of on both equation। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, both side में हमने इसको multiply करके, तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 1/3x + 3 × y = 3 × 10/3 मिलेगा। 3 × 3 = cancel, यहाँ पर भी आपको same cancel होते नजर आएगा, तो एक बहुत ही बेहतरीन equation मिलेगा, x + 3y = 10। तो आप इसको लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 1। हमने अभी तक साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया है, जस्ट हम इक्वेशन को अरेंज कर रहे हैं। तो उसका सेकंड इक्वेशन बनेगा 2x + 1/4y = 11/4 मिल रहा है, ओके। अब इसमें देखिएगा आपको डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, 4। तो अभी इस 4 को हमें क्या करना है, कट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई by 4 on both side, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, देखिएगा 4 × 2x + 1/4 × 4y = 4 × 11/4, ठीक है। इसमें आप 4 को पहले भी लिख सकते हैं, 1/4 को बाद में भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर 4 × 4 = 8 कैंसल, यहाँ पर भी 4 कैंसल हो जाएगा, तो 4 × 2 हो गया 8x + यहाँ पर आपको y = 11 मिला। अब आपको जो इक्वेशन मिला है इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में आपको बहुत सारी चीजों में मिसिंग लग रहा है, क्योंकि इसमें आपको कोएफिशिएंट सेम नहीं मिल रहा है। तो आपको एक तो x को फोकस करना पड़ेगा या फिर y को फोकस करना पड़ेगा। तो जिसमें से जो नंबर छोटा होगा हम उसको वन सेटल कर रहे हैं। इसका मतलब आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो यहां पर हो जाएगा 3 × 8x + 3 × y = 3 × 11। तो यहां पर हो जाएगा 24x + 3y = 33, इक्वेशन नंबर 13। अब देखिए यहां पर भी 3y है और यहां पर भी 3y है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का साइन चेंज कर लेंगे। पहले देखिए दोनों प्लस है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3/1, तो क्या हो जाएगा, 24x + 3y = 33, सो x + 3y = 10। सब्सट्रैक्शन में आपको साइन चेंज होते हुए नजर आएंगे, ओके। अगर ये सब्सट्रैक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पर मिल गया +3y - 3y का कैंसिल, यहाँ पर जस्ट ओनली 23 मिलेगा आपको x के साथ, और यहाँ पर आपको 23 अगेन मिलेगा। सो x = 23 / 23 = 1, सो x = 1। Putting equation first, अब first या second किसी में भी आप value को put out कर सकते हैं, तो मैं इसको कहाँ put कर रहा हूँ, equation number first में कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे। अब देखिएगा ये value हो जाने के बाद हम put करेंगे, put x = 1 हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, equation first में put out करना है, तो x की value अगर 1 होती है तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 + 3y = 10। अब देखिएगा इसमें जो 1 लिखा है हमने प्लस में, अगर वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जाता है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा,
आप सॉरी राइट साइड में जाता है तो क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। सो 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, सो 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू आपको कितना मिला 6, जिसका मतलब आपको x कॉमा y इज इक्वल टू मिला है 1.6। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर सकते हैं।